नमस्ते बच्चों, आई जेवीएन निशु शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. टुडे आवर टॉपिक, व्हाट इज कोडिंग, व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर सेट एंड व्हाट इज कोड. तो बेसिकली जो हम बात करते हैं, जैसे मेरा और आपका कन्वर्सेशन हो रहा है कि आज की क्लास में आपको आना कंपल्सरी है, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है. That mean, मेरी और आपकी ये जो बातें हो रही हैं, ये हमारी हिंदी कोडिंग में हो रहे हैं. अगर मैं इसी को बोलती कि आज को हम वन कोड बोलेंगे, कल को हम टू बोलेंगे, की बात को हम थ्री बोलेंगे, तो ये मेरा और आपका जो कन्वर्सेशन हो जाता है वन टू थ्री फोर, दैट मीन वो क्या हो जाती है, हमारा एक कोड लैंग्वेज हो जाती है कि मैं आपको किस तरीके से उसको कोडिंग में आपसे बात कर रही हूँ. तो उसी तरीके से जो होता है हमारा जिस सिस्टम जो होता है, ये हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो डेस्कटॉप है, या हमारा कंप्यूटर है, या हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हमारा कंप्यूटर है, इसको समझाने के लिए कि इससे हमको क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, इसकी जो लैंग्वेज है वो इसकी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है. ठीक है, अब बाइनरी लैंग्वेज मतलब ये जीरो और वन की भाषा को ही जानता है. ये सिर्फ क्या जानता है कि जीरो एंड वन के जो कॉम्बिनेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे मेरा वन टू थ्री फोर, अब वन टू थ्री फोर क्या है, आपकी नंबर्स है. अब नंबर्स क्या, सपोज ए बी सी डी टाइप के, वो आपकी क्या है, कैरेक्टर्स हैं. अब कैरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन को. और जीरो और वन जहाँ होता है वो हमारा बाइनरी नंबर होता है, यानी कि सिस्टम जो है आपका जो कोडिंग सिस्टम है वो बाइनरी पैटर्न पर होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे थ्री स्कीम्स होती हैं इसकी रिप्रेजेंट करने की, डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोडिंग में. फर्स्ट वन ASCII, सेकंड वन ABCDIC एंड थर्ड वन इज यूनिकोड. अब इसकी रेंज क्या होती है, कैसी होती है, हम लोग बात करते हैं. ये एक कोई नंबर है, कोई सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए कितना बिट रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, वन बिट के लिए हमें टू कोड रिक्वायरमेंट होता है, टू के लिए हमें फोर होता है, और टू की पावर बिट जिस तरीके से बढ़ती जाती है, ठीक है, उसका डिफरेंट डिफरेंट कोड होता जाता है. ठीक है, अब कितने कोड फाइव बिट को रिप्रेजेंट करेंगे आप बताएं, यानी कि आप क्या करेंगे, टू की पावर फाइव, टू की पावर फाइव जो भी नंबर आएगा वो आपका फाइव बिट को रिप्रेजेंट करेगा, टू की पावर सिक्स जो भी होगा वो आपकी उसको रिप्रेजेंट करेगा, टू की पावर थ्री. अब थ्री का निकालना, यानी थ्री बिट क्या हो गया, तो टू की पावर थ्री दैट मीन एट, टू की पावर फोर दैट मीन 16, ठीक है, इस तरीके से आपका 32, इस तरीके से आपकी रेंजेस बढ़ती जाएंगी, इस तरीके से आपका जो बिट्स है और उनका कोड आपको मिलता जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अब देखो नंबर्स हमको पता है कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि नंबर्स होते हैं, जीरो से लेके नाइन तक जो नंबर है वो हमारा नंबर्स है. जीरो से लेके जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब हमारे नंबर है. ठीक है, टेन ट्वेंटी थर्टी, ये सब हमारे नंबर्स है. लेकिन हमारे जो नंबर होते हैं, 10 आपका कैसे बना 1 और 0, 11 आपका कैसे बना 1 एंड 1, 12 आपका बना 1 एंड 2. लेकिन बेसिकली अगर नंबर देखा जाए तो नंबर तो हमारा 0 से लेके 9 तक ही होता है, दैट इज योर न्यूमेरिक कैरेक्टर. अब लेटर्स की बात की जाए वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ एंड आर. ठीक है, और पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि स्टार, हैशटैग, डॉलर, ये सब आपके क्या हो गए, पंक्चुएशन मार्क हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक कैरेक्टर को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर. क्लियर यहाँ तक, कैरेक्टर्स क्या हो गए आपके, कैरेक्टर्स में आपके न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गए, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो गए, पंक्चुएशन हो गए. कैरेक्टर्स तो यही हो गए जो आपका जो कीबोर्ड आप देख रहे हो, जो आपका लैपटॉप है या जो आपका डेस्कटॉप है, इसमें ये जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं ये सब आपकी क्या है, कैरेक्टर्स है. अब कैरेक्टर्स थ्री कैटेगराइज में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कैरेक्टर, जो नंबर्स हैं जीरो से लेके नाइन तक. लेटर्स है जो आपके डिस्प्ले पर दे रखा है क्यू से लेके एम तक. ठीक है, और दूसरा थर्ड वन जो आपका है पंक्चुएशन, जो ऊपर जो मार्क्स होते हैं वन टू थ्री फोर के ऊपर जो नंबर होते हैं, हैशटैग, एस्ट्रैक, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड परसेंट, स्टार, ब्रैकेट एंड ऑल, ये सब आपके क्या हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए अगर हम लैपटॉप की बात करें. ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर हम एक साथ रखते हैं, न्यूमेरिक और अल्फाबेट को एक साथ रखने पर हमारा ये क्या बनता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर. क्लियर है यहाँ तक बात समझ में है.
अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स कोड. कैरेक्टर्स कोड क्या होता है? एक सिंगल कोड नंबर होता है, ठीक है. अ सिंगल कोड नंबर द कैरेक्टर कोड रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक सिंगल कोड नंबर जो है या एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि मैंने लिखा ए, ए क्या है? मेरा एक कैरेक्टर है. बी, बी क्या है? एक कैरेक्टर है. जीरो, जीरो क्या है? एक न्यूमेरिक कैरेक्टर है, बट है कैरेक्टर. आपका हैस्ट्रिक, हैस्ट्रिक क्या है? एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, बट है तो एक कैरेक्टर. तो कैरेक्टर जो कोड होते हैं वो आपकी किस पर है? बाइनरी पैटर्न पर होते हैं, जो रिप्रेजेंट कराते हैं कैरेक्टर्स के सेट को. यहाँ तक बात समझ में आया? अ कैरेक्टर कोड्स आर द बाइनरी पैटर्न यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर सेट. A list of all the characters that a computer can process and store, any textual data will be stored as sequence of these code. When the data is displayed or printed, the code is converted in the appropriate shape. अब suppose मैंने जैसे मेरा नाम निशु, मैंने अपना नाम लिखा है NISHU. NISHU में कितने सारे आपके characters हो गए? 5 character हो गए. यानी कि 5 characters से आपका जो कंप्यूटर में आपने स्टोर कराया, इसको आपने स्टोर कराया, ये टेक्सुअल डेटा आपने जो स्टोर कराया, ये एक डिस्प्ले होने के बाद आपको जो प्रिंट होके आया वो किस तरीके से प्रिंट हो, एक नेम में प्रिंट हो गया है, ठीक है. सेम एज आप कोई नंबर देते हैं ABC0129, जब आप इसको प्रिंट कराते हैं तो ये एक नंबर बन के आएगा, ठीक है. यानी कि अब ये आपने प्रिंट कराया, लेकिन सिस्टम को कैसे पता कि ABCD किस तरीके, तो उन नंबर्स की हमें यहाँ पर कोडिंग करनी होती है, जिसको हम बिट्स ऑफ कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टर सेट पर. कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर हैव स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टर. मेनी कैरेक्टर सेट आल्सो हैव कोड फॉर कंट्रोल कैरेक्टर. दीज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस. जैसे एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर आर एंड ऑफ रिकॉर्ड एंड एंड ऑफ फाइल मार्कर इन अ फाइल. कैरी रिटर्न एंड लाइन फीड फॉर अ प्रिंटर. बिगिन एंड एंड ट्रांसमिशन विद अ मॉडेम एंड अ कर्सर मूवमेंट ऑन अ स्क्रीन. अब सपोज मुझे यहाँ पर कंट्रोल की बात की जा रही है, तो कंट्रोल किस तरीके से कैरेक्टर, जब आप माउस से कंट्रोल करने के लिए उसको आप इधर उधर शिफ्ट करते हैं, एंड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, तो आपने उसको क्या दिया है? उस कैरेक्टर सेट को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, जिसकी वजह से वो आपकी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा है. सो ये सब चीजें आप किस पर बेस्ड है? आपके कैरेक्टर सेट पर बेस्ड है. और कैरेक्टर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट कोड के बेस पर कंट्रोल किया जाता है. सो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स. Thank you for watching us. This session is powered by Digital Version 2.0, Jv'N Women's University. Thank you.